55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। बेल्डवर्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। दमोह जिले में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है, जहाँ सुबह बीच बाजार चरियाई मार्केट में सुबह सुबह एक चाकूबाजी की घटना सामने आई थी। वहीं चंद कदमों के दूर श्री होटल के समीप नगर पालिका गेट के पास शाम एक युवक पर भी चाकू से हमला की वारदात सामने आई है, जिसके बाद घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं सूत्रों से मिली खबर के अनुसार नगर पालिका गेट के समीप मूंगफली की ठिलिया के आसपास किसी से विवाद होने के बाद युवक के साथ चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। युवक के सीने में चाकू से हमला किया गया है। घटना के संबंध में ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मरीज आया है, क्या कैसा है, क्या घटना है? हाँ, ये नितिन नाम का मरीज आया है। ये इसका एक इस पर चाकू से हमला किया था, किसी ने बता रहा है ऐसा। कैसे है? 6 बजे तो उसको घाव हुआ है, तो ज्यादा गहरा नहीं है, थोड़ा सा गहरा है। इलाज उसका प्राथमिक इलाज चालू कर दिया गया है। कहाँ पर चोट है सर? कैसे? उसको सीने में चोट लगी है, सीने में चाकू का, बोल रहा है कि चाकू से मारा है, वो भाव है बस, और कोई भाव। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन अभी उसकी ठीक है, स्टेबल है वो। क्या नाम लिखे सर? किसका? आप अपना नाम क्या लिखते हैं? डॉक्टर गौरव।